विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया है कि नागपुर में होने वाला विधानमंडल का अधिवेशन नागपुर करार के अनुरूप कराने का उनका संकल्प है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे प्रयास करेंगे कि नागपुर में होने वाले अधिवेशन में विदर्भ पर अधिक से अधिक चर्चा हो और उसके हित में फैसले लिए जाए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी के सत्ता में आने में विदर्भ के प्रति उदासीन रवैये की अटकलों के बीच पटोले ने कहा कि राज्य सरकार को विदर्भ का बैकलॉग समाप्त करने की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। विदर्भ के किसान बेरोजगारों को न्याय मिलना चाहिए। पटोले नागपुर श्रमिक पत्रकार संघ एवं प्रेस क्लब के मीट द प्रेस कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार शहर पहुंची पटोले ने कहा कि उनकी नियुक्ति से पहले ही शीत सत्र का कार्यक्रम बन चुका था। अधिवेशन आरंभ होने के बाद वे विधानमंडल की कामकाज सलाहकार समिति से सत्र की अवधि पर चर्चा करेंगे। वे पूरा प्रयास करेंगे कि अगला अधिवेशन नागपुर करार की संकल्पना के अनुरूप हो। यह विधायक के लोगों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश की भांति वे पक्ष विपक्ष को सुनने के बाद ही फैसला करेंगे। प्रदेश के हितों का संरक्षण करने का पूरा प्रयास करेंगे। यह पूछने पर कि अगर कृषि मंत्री बनते तो अधिक खुशी होती, पटोले ने कहा कि अब अध्यक्ष के रूप में सभी मंत्रालय उनके पास है, उन्हें बड़ा अवसर मिला है। पत्र परिषद में विधायक विकास ठाकरे, प्रदेश प्रवक्ता अतुल लुंडे, बबन तायवाड़ी, किशोर गजबिये, प्रशांत पवार, नागपुर पत्रकार क्लब के अध्यक्ष प्रदीप मैत्र, राहुल पांडे मौजूद थे। पटोले ने कहा कि उमरेड के मृत बाघ जय को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी, इस मामले में कोई पहल नहीं हुई है। पता चला कि इसकी कड़ी सचिव तक है। इसी चक्कर में सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी मिल गई। हालांकि पटोले ने सचिव का नाम सार्वजनिक नहीं किया। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने फडणवीस सरकार पर राज्य को पिछड़ा करने का आरोप लगाया था। इस संदर्भ में पूछने पर पटोले ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र ने प्रगति की है, लेकिन फडणवीस सरकार ने कर्ज का बोझ ला दिया है। नई सरकार को कर्ज लेने में समस्या होगी, सरकार को मदद की पहल करनी चाहिए। सरकार जब 24 तारीख को 24 नवंबर को जब रिजल्ट आए और वो एक महीना नई सरकार बनने को समय लगा, राष्ट्रपति राजवट आई और उस समय में जो भी काम का ब्रेक हुआ महाराष्ट्र की जनता को तकलीफ तो हुई है, और वो जो सिस्टम है, जो सिस्टम शुरू है उसको तो बंद करने का कोई कारण नहीं बनता। ऐसे मुख्यमंत्री जी ने अपना खुद का स्टेटमेंट दिया है, तो मुझे लगता है कि कोई अन्याय का बात हो नहीं सकता। अगर ऐसा है तो बिल्कुल हम ध्यान देंगे उसके ऊपर। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।